看不到。भाभी नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। सबर करो, बच्चों ने खाना है। सिर्फ देख रहा हूं, एक वक्त देख रहा हूं। बच्चे ओए 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 ये वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चम्मच चाय, 7 अंडे और 1 बुरख किससे उड़ाए थे? आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो। हैं? अम्मा खाना तैयार है। लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के? तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी दाजी सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दाजी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ ना। कुछ तो है दाजी, गोल गोल गोलियां है इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दाजी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दाजी। अच्छा तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है? दाजी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओ ये तो
लड्डू है लड्डू लड्डू दिखाओ सर मुझे तो हकीमों की दवाइयां सब इसी तरह की होती हैं मुरब्बा चटनी अंडे का हलवा दाजी दाजी खुदा के लिए इस उम्र में इतना मीठा अच्छा नहीं होता ये किसी की मानता है तुम हकीम अफलातून हो ये मेरा अपना पेट है मेरा जाती पेट है मेरी मर्जी खाता हूँ नहीं खाता नहीं खाता एक दफा खाया दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा समझ गई लकड़ खाओ पत्थर खाओ मेरी बला से मेरा सर मत खाओ बस चलो चलो तो एक कटोरा जहर दे दो शाबाश जहर प्यास लगी है पानी दे दो अच्छा पानी लाया दाजी दाजी आप ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं पानी खत्म खलास पानी खत्म तो क्या पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है अब ये भी राशन कार्ड पर मिलने लगेगा आज फिर नहीं आया होगा ना नलकों में पानी ये बारी बारी कौन गेंद फेंक रहा है हा? दाजी ये बच्चे हैं बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा है ना इसलिए ये गली है या खेल का मैदान है गुगुश्तू समझाओ इन बच्चों को हाँ हाँ भाई दाखिला ही तो है तुम्हारे बच्चे का स्कूल में हम तुम्हारे लिए मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे हाँ यानी कि देखो ना खुदा की कसम आप नहीं कह रहे मैं खुद खा रहा हूं क्या जनाब कसम और क्या मैं एक आदमी वन मैन और मसाइल इतने सारे ओह माय गॉड अब देखो ना फोन फिर बजने लगा मैं टेलीफोन सुनूं या आपके मसाइल हल करूं जी ओह हुजूर आप जी 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 हुजूर जी बड़े साहब हैं जी सर हुक्म सर अच्छा अच्छा जी सर ये आप लोगों की खुशकिस्मती है साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं अच्छा जी, जी सर जी ये कौम की पुकार है सर खुशी मना रहे हैं आपकी आमद पर नारा जी साहब बरनफ से नफीस समाज फरमा रहे हैं पैंदा खान आवे 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 बस 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 ए हुजूर ए जी बस हुजूर आपकी आमद की बू सूं कर ही पागल हो रही है ये तमाम कौम सुन रहे ना आप ये चीखों पुकार कुछ तुम लेटर टाइप करो और सेक्रेटरी को अंदर भिजवाओ फोर जी हुजूर जी 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 जनाब जी लिखवाइए जनाब लिखवाइए लिखवाइए मसाइल अबे खुदा के बंदे मसाइल नहीं साहब मीनो लिखवा रहे हैं मीनो जी हाँ हाँ जी सर 10 सेर चपली कबाब सर फिर तो मजा बड़ा ही आएगा जी खामोश 5 जोड़े पंजेदार चप्पल अच्छा जी सर ये कोफ्तों में मर्च कितनी जी 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 मुझे पता है हुजूर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ये क्या कहते हैं बटेर या तितर का गोश्त तितर का अच्छा रहेगा जी जी हिरन यानी के हिरन जी 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 लिखो भाई हिरन हिरन मिल जाएगी साथी हुजूर मिल जाएगी क्यों नहीं मिलेगी हुजूर बस आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा बस आप जल्दी तशरीफ ले आइए शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच और जनाब हमारे मसाइल लो सुनो हम मसाइल हल करें या साहब की आमद के इंतजाम की तैयारी करें देखो दोस्तों जिंदगी है तो मसाइल है तो जिंदगी है यू आर राइट यस सर बल्कि मैं तो यू कहूंगा कि मसाइल ही हमारी जिंदगी का सबूत है
तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा? नहीं जी नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे, तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल, हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे, इन पर नोट लिख लिख कर अफसराने वाला को पेश करेंगे, इन पर और होश होगा। सेफ्टी? यस। जोर किस बात पर हुआ? और होश पर सुनो। शाबाश, ये हुई पर पूरी तवज्जो देंगे, इन पर नोट लिख लिख कर अफसराने वाला को पेश करेंगे, इन पर और होश होगा। सेफ्टी? यस। जोर किस बात पर हुआ? और होश पर सुनो। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर और होश होगा, कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी, उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, और मसाइल दर मसाइल चलते ही रहेंगे, कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए कि तारे मसाइल? जरूर जरूर। मसाइल मसाइल। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ, और मसाइल मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना, देखो जाया मत करना इधर उधर। अच्छा मालिक सर, ये मुसीबत कहां से आ गई? ओ, ये तो गंदले भी आए हुए हैं वे। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुकुम। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे, बैठो। अच्छा बात करें। मलिक सर, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है, ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो, सच कहना गुनाह नहीं है मलिक से। नाइक मुच्छा, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किस से बात करूं है? एक मच्छा, तुम तो खाम खाम मलिक साहब को गरेबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़ कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था, अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। रंदल खाना इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंचा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। चमचे? मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूँ। एक मच्छा, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे परमिट की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस बस। क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तियाक छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। है हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो। मैं इस ओ हिम्मत शाह बाबा। क्या है?
तशीफ रखिए तशीफ रखिए बैठिए। अरे भाई तू चाय माय का इंतजाम करो, देखते नहीं हमारे कितने मोहज़्ज़ मेहमान आए हुए हैं। यस सर यस सर। अच्छा तो फरमाइए। हाँ वो ये एक गेंद ये दूसरी गेंद, तो मैं इन गेंदों को क्या करूं? बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, बारी बारी मेरे सर पे गिरते हैं ये बाल। मैं समझा नहीं हूं। बात सुनो, अपने हाथों में उठाओ और खुद मेरे सर में मारो मारो। ये क्या कह रहा है मलिक साहब? दरअसल इनके इलाके में खेल का एक मैदान बनाने का मंसूबा था, एक मछा को वो याद दिलाने आए। चुप चुप करो निकबख्ता, अफसर ने अफसरी की ट्रेनिंग की है, ये कोई बच्चा नहीं है, खूब समझता है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसी साल फंड की मंजूरी हुई ना तो पहला काम सबसे यही होगा। अच्छा वो पानी का मसला वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। एक मसला और भी है। वो क्या? वो मेरे घर के सामने एक बड़ा नाला है, यानी कि कीड़े मकोड़ों की नर्सरी है। अब तुम वहां से कीड़े मकोड़े सप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह सब बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा लेकिन कयामत के बाद, अभी और इसी वक्त। खैरियत, वो बड़े सामने गांव का दौरा रखा है, वो कहता है लोगों को इकट्ठा करो बात करते हैं। तो इकट्ठा कर लेंगे लोगों को, इसमें परेशान होने की क्या बात है यार? ये एक मच्छा को कौन समझा देगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे? आइए जरूरी, ये तुम्हारा बाबा हर काम में टांग रहता है यार, इसे समझाओ ना। मलिक साहब मैं तो उसका बेटा हूँ, भला बेटा बाप को कैसे समझा सकता है? देखो उसे समझाओ कि ठंडा करके खाया करो। मलिक साहब पहले तुम मुझे समझाओ फिर मैं उनसे बात करूंगा। वो बात ही है गरोली के बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वो हमारे गांव के दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा तो हम सब मिलकर उनकी आमद के इस्तकबाल की तैयारियां करेंगे। अच्छा तो फिर यहाँ भी आएगा वो, तो अपने बाबा से कहो जरा नरमी से बात करें उनसे, गांव के मफाद का मामला है वो। अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा मलिक साहब। ठीक इजाजत है। बिल्कुल देखो इसमें हम सबकी इज्जत है। ठीक है मलिक साहब खुदा इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम खुदा हाँ रंगल खान ऐसे करो कि अफसर साहब को इतला करूं कि हमने बड़े साहब के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। लाओ लाओ भाई इधर खड़ा करो। शाबाश 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 आला मर्तबते हुजू फैज़े गंजू व आला शान के कदूम ममत लजूम ने हमारी सरजमीन को हम अदू से सुरैया बना दिया। सुरैया बना दिया ये क्या है? ये लिखा है? ये क्या लिखा है? बुलाओ बुलाओ सखी के बच्चे को बुलाओ। कब्बा क्या हुआ सर? ये सपाहनामा कौन सी जुबान में लिखवा रहा? ये ऐसी जुबान है सर जो आवाम की समझ में नहीं आती। हाँ, हमने आवाम के सामने मुखातिब होना है, कुछ जिन्नात के सामने नहीं। आवाम से आवाम की जुबान में बात करने की गलती ना करें सर। क्यों? अगर वो समझ गए ना तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो ये तो तुमने ठीक कहा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये फोन किसका है? शाबाश। हेलो सर जी जी हैं है जी बड़े साहब का फोन है। बड़े साहब का? जी सर जी जी अच्छा जी बहुत बेहतर जी।
क्या हुआ सर? हमारा सपाहनामा खाक में मिल गया। क्यों सर? बड़े साहब ने दौरा मंसूख कर दिया है। कर दिया है? वो आरायशी मेहराबों के लिए वो कपड़ों के थान, वो इस्तकबाली कारों के लिए पेश की रकम सर। हम खुद आरायशी मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद बसों के जलूसों में गांव गांव फिरेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के बहाने। सबसे पहले आप पहुंचो। अंदर सड़क कुछ मोटक शुरू का भी इंतजाम है या सिर्फ नारों से मैदान गर्म कर रहा है? संभालो इसे। तुम आ गए तो मोरख शुरू का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं आ तो गया हूँ मगर खाली पेट वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए? दाजी, यहाँ पर तकरीरें होंगी। वादे सबल बागात, मगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है मुझे। एक मच्छा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम यहाँ बैठ तो जाओ। कहाँ बैठूं? मैं वहाँ आपके साथ बैठूंगा, शाना बशाना बैठूंगा। दाजी छोड़ो मारा दासी माजी को। पैंदा खान, वो बड़े साहब दुनिया है, ये उनका पैगाम है। ओ, क्या हुआ? बड़े साहब ने अपना दौरा मनसूख कर दिया, वो एक जरूरी काम के लिए चले गए और अपने साथ अफसर साहब को भी ले गए। अब क्या होगा? अब मैं बात करूंगा। मैं लोगों मेरी बात सुनो, ये सांप का चमचा है और सांप बड़े सांप का चमचा है और बड़ा सांप जो है ना उससे बड़े सांप का चमचा है। ये सब चमचों के चमचे हैं। वो हमसे घर में भी नहीं बच सकेगा। हम मंसूबों का हाल उससे उसके घर में पूछेंगे। आओ मेरे पीछे आओ। क्या मच्छियों की तरह तुम हर वक्त में भी बिना ही रहते? ये देखो अरे तुम बस, ये कौन सा बस मार डाला हर वक्त गोलाबारी करती हो हर वक्त। हाय, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? एक तरफ हो जाओ ये बख्ती। अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे क्यों मैं बेजबान के पीछे पड़ गए? इसकी जुबान लंबी हो गई है, हर वक्त कुड़कू कु। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस कुड़कू ने। अभी मैं ठीक करता हूं। गुड मॉर्निंग। कौन है तुम? बेबी बाबा हमारे घर में घुसा है। ये क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। अरे ये तो अपना बच्चा है बरकैशा। मैं भी सोच रहा था कि चीज तो पुरानी है मगर खाल नहीं उड़ रखी है। आपको मेरा अर्जेंट मेंटेनेंस का खत नहीं मिला? नहीं मिला। गोया बात क्या? मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, आप तो इसकी मौत आ ही गई। छुड़ा जाओ बाबा, छुड़ा जाओ बाबा। मैं तमाम पर्चे खाली दिए थे। पास तो हो गए हो ना? बिल्कुल। तो बस ये छोड़ा है, छुड़ा जाओ। अरे बाबा, तमाम पर्चे खरीदे, दोनों ने मुझे फॉर्म पास कर दिया। बचाओ, तुम्हारे बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। उल्लू बेटा, अब तो इसकी मौत आ ही गई है। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसकी मौत आई है? इस मूर्ख की मौत आई है निकबख्ते। इतनी दूर से नवासा कुछ खबरी सुनाने आया है, दावत नहीं दूंगा। शुक्र है खुदाया, मैं समझा मुझे पास होने के जुर्म में मानना चाहते।
सची मुची बरकत शाह तो अजायब घर में रखने के काबिल है। अंगूठा छाप बारहवीं पास इस तरह करो कि फटाफट इस बांग मार मुरुख को पकड़ो और करो। नहीं बाबा, मैं तो मिठाई खाऊंगा। ना खाला ना, मैं तो मुरुख खाऊंगा, गोया के नरम गिजा है। अरे इम्तिहान तो बच्चे ने पास किए और मुरुख मुर की रख तुमने लगा रखी है। जेबो जी बेबी। बेटी जाओ ना बरकत शाह के लिए गरम गरम हलवा बनाओ जल्दी से जाके। हलवा हलवा भी ठीक है, एक वक्त तो गोया के वो भी नरम गिजा है। पकाओ पकाओ। दाजी किसी ने क्या खूब कहा है, इलावा ईद के मिलती है और दिन भी मिठाई, गदाई कूचे हलवाई ना मुराद नहीं। शाबाश, क्या मिठाई वाला शेर है, बड़ा नमकीन है। फिर कहो दाजी। मैंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि पहले नमकीन चीज यानी के मुर्ग, फिर मिठाई और आखिर में हलवा। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। देखो मुर्ख मेरी पसंद, मिठाई बरकत शाह की पसंद, हलवा गोया वो भी मेरी पसंद। मैं जाता हूँ और मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। अभी और इसी वक्त काके, अभी और काके भाई जल्दी आओ, देखो ना ये दूध जल रहा है। अभी आया पहलवान जी। अरे क्या कर रहे हो जालिम, ये क्या कर रहे तू? क्यों क्या हुआ पहलवान जी, कोई तौबा कर जोड़ेगी? भाई तौबे की बात नहीं है, अरे किसे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सैया पर कोतवाल तो फिर डर का है का। अबे ओ तानसेन चोराग, ये काम तो हम भी करते हैं लेकिन जरा एहतियात के साथ, तरीके के साथ। वो कैसे भला? तुम जरा भाग के जाओ ना। किधर? एक जग पानी का और लब लब भर के लाओ। अच्छा, फिर तुम्हें बताऊं। और पानी ले आओ। हाँ जल्दी भरो। अच्छा अच्छा अभी छोटे अभी 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 जी जी एक किलो मिठाई, दो किलो मिठाई तो लो। ठीक है, ये छोटा कहाँ मर गया? आ गया पहलवान जी, आ गया। हाँ, आ गया। हाँ, पानी ले आए? ये जी पानी ले आए। अब ये जग जरा प्यार से मुझे दे दो। ये ले लो जी। दे दिया? दे दिया। अभी जरा झांक के इधर उधर देखो। देख लिया? देख लिया ना। अब दुनिया वालों की तरफ पीठ करके, आंखें बंद करके, नहायत तरीके के साथ, सलीके के साथ दूध और पानी का संगम शुरू। देखे आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता तिरिंग तिरिंग आहिस्ता तुलुंग तुलुंग आहिस्ता। पहलवान जी। हाँ जी। ये दूध और पानी का संगम कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अरे काके, तू काके का काका ही रहा ना आखिर। वो कैसे? काके गाद को चुल्लू चुल्लू दूध ज्यादा देते जाओ, इस तरह गाद भी खुश और हम भी खुश। मान गए उस्ताद, मान गया। हाँ। पर तो सा सुना नहीं। अरे तू ही सुना देना, अब और क्या फुलझड़ी उड़ाने वाला है तू? और मैं लाउटी अफसर जोश चा गए ने। तो फिर वो पक्कड़ धक्कड़ का आगाज हो गया है। ओए काके, तूने तो अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था। क्या कहा था? सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। ओ मान गए उस्ताद, मान गए थोड़ी उस्ताद ही मान गए। काके हलवाई की दुकान पर दादाजी का पा था, ये मुहावरा तो सुना था लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं ये। वो गरीब लोग थे यार, उनकी किस्मत में वो इतना लजीज सामान कब था? तो फिर हुक्म कीजिए ना, क्या चाहिए आपको? ये किस चीज की दुकान है? ये मिठाई की दुकान है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, यहाँ जूते तो नहीं बिकते, मिठाई लेने आया हूँ। तो
फिर ऑर्डर कीजिए ना कि ऊंचा पकवान चाहिए या कोई गुजारे वाला। वाला गुजारे वाले का बदल भी तो कुछ गुजारे वाला ही होगा ना या फिर। हाँ देखे ना जी, ये ऊंचा पकवान जो होता है ना इसकी कीमत भी जरा ऊंची होती है और गुजारे वाला तो फिर गुजारे वाला ही होता है। वैसे मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा अच्छा, बात ये है ना गोया के खोटा सिक्का जाली नोट। तोबा तोबा हजरत, हम यहाँ जेल साजी करने बैठे हैं क्या? खान खोल कर सुन लो, खरा माल लोगे तो खरा माल दोगे, दो दो नरक एक ही गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो फिर आर्डर दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? हाँ इस तरह बोलो। हाँ। बात यह है कि 8 किलो जलेबी है। 8 किलो जलेबी? मीठा जरा कम करो, जलेबी नहीं जलेबियाँ। समझ गया। और इस तरह करो कि 4 किलो बर्फी। 4 किलो बर्फी? जरा मीठा जरा कम करो निकबख्ता। मैं कोई समझा नहीं। बर्फी नहीं। हाँ। बर्फी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और 4 किलो लड्डू। 4 किलो लड्डू? नहीं 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 नहीं, मीठा जरा कम डालते हैं, लड्डू कहते हैं। ठीक है काके। जी बलवान जी। इन हजरत का माल जरा जल्दी तैयार कीजिए। अभी लो पहलवान जी, अभी लो। क्या लिखा? क्या हुआ बाबे? ले लो लो। ये अंक बाजी क्यों करते हो, इस तरह क्यों करते हो? ये मेरे हाथ में कुछ पड़ गया बाबे। देखो मैं समझता हूँ, खूब समझता हूँ, समझ गए ना? ये क्या बोल बाबा जी। हाँ हाँ बैठे, ऑर्डर तैयार करते हैं, बैठे बैठे। फिर मुकाबाजी, मेरी बात सुनो। देखो बात ये, हाँ बोलो क्या बात है? गलती हो जाती। अच्छा गलती हो जाती है। ये क्या मैदान जंग बना रखा है तुमने यार? इस खबीज को जरा मजा चखा रहा था। हो तो मार खाने में इसे मजा आता है, अजीब आदमी हो तुम गंदल काका। फेल हो गया है ना, कटवा दी है जालिम ने। अच्छा अच्छा फेल हो गया, अब फिर तो मुबारक हो, मुबारक हो गंदल काका। सरवली सरवली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गंदल काका, दरअसल मैं भी इस पास और फेल के चक्कर में आया था, तो मुझसे बात नहीं बन रही थी इसलिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा भांजा नहीं है बरकत शाह, वो पास हो गया आपकी दुआ से। पास हो गया वो नालायक, यानी कि बड़ी खुशी हुई। खुश तो होना ही है आपको गंदल काका। इस खुशी में हमने मोहल्ले वालों को दावत पर बुलाया है, और हाँ तुमने भी आना है कल दोपहर। हाँ बेफिक्र रहो, जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। अच्छा इजाजत है गंदल काका, खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। देखा हिकमत शाह की नवासी बरकत शाह का पास होना तेरे लिए और भी शर्म की बात है। नाले तमाम दिन मुकाबाजी करते हैं, मुकाबाजी करते हैं, मुकाबाजी करते हैं। बड़ी खुशी हुई इस बात की गोल में बरकत शाह के पास होने की। तुम्हें खुशी हुई है और मुझे हैरत? तुम्हें पता नहीं है वो नालायक अब भी अंगूठा छाप है। तो फिर पास किस तरह हो गया? बस खुदा की कुदरत, इम्तिहान के दफ्तर में कोई हातम साई या सखिया फला खान बैठा होगा, उसने पास कर दिया है सदके या खैरात में। बैठो बैठो। जी वो गंदल खान को तो इतला कर दी है? जरवली लाला उसे बता चुका है दाजी। अभी तक नहीं आया, अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं बोलता, इतनी देर से क्यों आए हो? ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी? क्या काका जी, मैंने सिर्फ शेर कहा है। मारा शेर मेल को छोड़ो, एक बखदार वक्त शेर का डंडा उठाकर मत पेरा करो, जाओ अपना काम करो। मुबारक हो एक मचा, तुम मरे नवासे तो कमाल कर दिया। कमाल के पांव छोड़ दिए नेकबख्त अंगूठा छाप ने। बैठो बैठो। समझ में नहीं आता कौन कौन से काम क्या है, दिमाग खराब। अरे लड़कियों
تم نے چائے کا انتظام کر دیا؟ باہر حجرے میں مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ بے بے دادا جی کو سمجھا رہے ہیں نا؟ کیا سمجھاؤں بیٹا اسے، ہر وقت انگوٹا چاپ انگوٹا چاپ، آخر حد ہوتی ہے ہر بات پہ۔ چل بیٹا خفا مت ہو، میں ان کو سمجھا دوں گی۔ اچھا خابر ہے وہ، خابر ہے جی۔ بے بے یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہچکی؟ گرمی تھی نا، بس میں سفر کیا ہے، بس اسی کی وجہ سے۔ اچھا ایسا کرو، دیکھو یہ مٹھائی پڑی ہے نا، یہ تمام پلیٹوں میں لگا کے اور حجرے میں بھجوا دو۔ اچھا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، لو ابھی لے۔ اور بات سنو، ایسا کرو کہ دو گھونٹ پانی پی لو، یہ ہچکیوں کا علاج ہوتا ہے، جاؤ۔ جی اچھا۔ زیبو بیٹی، میرے گھر پہ بہت کام ہے۔ اے بیٹی بات تو سننا۔ اچھا یہ تم نے منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ بیبی ایسی۔ اور یہ ہچکیاں؟ وہ بیبی ٹھیک ہو جائے گی۔ یا اللہ سارے گھر کو ہچکیاں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔